कि नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार तेजस्वी यादव के सामने डाल दिया है। आनंद फानंद में इन्होंने इस तरह का आंकड़ा जारी करके ताकि देश भर में उनको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार पहला राज्य है जिसने जात की गिनती करा ली। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार तेजस्वी यादव के सामने डाल दिया है। नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार डाल दिया है, इसलिए वहां नीतीश कुमार जी खुद कुछ चाहे अपनी मनमर्जी का तो नहीं संभव है। तेजस्वी यादव अपनी मनमर्जी का चाहे तो वह काम संभव है, इसलिए ऐसा हुआ होगा हमको लगता है। अरे वही तो हम तो बोल चुके हैं, कैसे दिखाया जेडीयू कार्यालय में, आखिर आंकड़ा कैसे आ गया? सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना। कार्रवाई करने की मांग करते नहीं, कार्रवाई क्या, सरकार पर कार्रवाई हो जाएगी, व्यक्ति पर कार्रवाई का क्यों मांग करें? जिस व्यक्ति ने जारी किया एक अलग सवाल है, सरकार के किसी कर्मचारी अधिकारी ने दिया ना, तो सरकार कटघरा में खड़ा है। कैसे उस व्यक्ति को आंकड़ा मिल गया? जिस व्यक्ति ने दिखाया उसकी गलती कम है, सरकार में जिसने लीक किया वहां गलती ज्यादा है। हम तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जारी किया उसके ऊपर क्या कर कि राज्य की सरकार ने आनंद फानंद में चुनाव को ध्यान में रख करके और एक इनके मन में जो रहता है कि देश भर में हमने पहले करा लिया, कई मामलों में हम देखते हैं तो अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम आनंद फानंद में इन्होंने इस तरह का आंकड़ा जारी करके ताकि देश भर में उनको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार पहला राज्य है जिसने जात की गिनती करा ली। तो ध्यान सीधे चुनाव है, राजनीतिक लाभ है, कहीं से जनता का लाभ इनके इस काम में बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस तरह का आंकड़ा जारी हुआ है। यह आंकड़ा पूरे तौर पे जाली है, फर्जी है, घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है, लोगों के बीच जाकर बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है, इसलिए यह आंकड़ा सही नहीं है। हम लोग तो पहले से इस राय के रहे हैं, हमारी पार्टी शुरुआती दिनों से इस राय की रही है कि जात की गणना होनी चाहिए, न सिर्फ एक राज्य में बल्कि देश के स्तर पर जात की गिनती हो, हम लोग मांग करते रहे। यह मांग हमारी आज भी है और राज्य की सरकार जाली आंकड़ा जुटाकर कहेगी कि हमने करा लिया तो इसको हम लोग नहीं मानने वाले। अब आपका कोई सवाल, पटना के एक अखबार में खबर छपी है जिस खबर के अनुसार सरकार ने 2015-16 में कुछ जातियों का आंकड़ा जुटाया था, अलग अलग कारण से सरकार जुटाती है, उन कारणों से कुछ जातियों का आंकड़ा सरकार ने जुटाया था और वह जाति है बहेलिया, चंद्रवंशी और माली। इन तीन जातियों का आंकड़ा सरकार के उसी विभाग ने 2015-16 में जुटाया था, सामान्य प्रशासन विभाग, जिस विभाग ने अभी जातीय सर्वे भी कराने का काम किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उस समय जो आंकड़ा जुटाया गया उसका विवरण मेरे हाथ में है, उसके अनुसार बहेलिया जाति 2015 में 67,535 इनकी संख्या थी, बहेलिया जाति थी 2015 में, और अभी जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें 8,026। अब सरकार ही 2015 में कह रही है उनकी रिपोर्ट के अनुसार कि बहेलिया की संख्या 67,535 और आज सरकार का दूसरा आंकड़ा कह रहा है इनकी संख्या 8,026। ठीक उसी तरह से चंद्रवंशी, जिनको कहीं कहीं कहार भी कहा जाता है, इनकी संख्या 2015 में 30,32,800, 2015 में इनकी संख्या 30,32,800 थी, सरकार का ही एक आंकड़ा कह रहा है और अभी का आंकड़ा सरकार का है 21,55,644, 9 लाख, इतने ही दिनों में इनकी संख्या कम कैसे हो गई? अब मालाकार, तीसरी जात है मालाकार, इनकी संख्या 2016 में सरकार का ही आंकड़ा है 13,15,665,
465 और अभी है इसकी संख्या 3,49,285। अब बताइए 2016 और अभी 2023 मालिक मालाकार की संख्या उस वक्त से अभी 10 लाख कम कैसे हो गई? तो यह तो सरकारी आंकड़ा है उस वक्त का और आज का, अब इसके बीच क्या अंतर क्यों इस तरह का है, सरकार को जवाब देना चाहिए। यह जो रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट अपने आप में विरोधाभासी है और बाकी और दूसरे लोग भी जो परेशान हैं। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।